वीडियो में अब बात करने वाले हैं हमारे आईफोन में अगर हमें साउंड कम आता है, चाहे हमारी यहाँ पर साउंड स्पीकर में से आए या फिर जो यहाँ पर आपके कान का स्पीकर है उसमें से कम आए, दोनों में ही यहाँ पर आपकी इसकी सहूलियत हो जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको 7 स्टेप्स में बताऊँगा कि इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं अपने साउंड को। तो सबसे पहला स्टेप कि आप बैकग्राउंड साउंड को हमेशा बंद रखें, ठीक है। वो कैसे बंद रखेंगे, आप सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर जो है आप एक्सेसिबिलिटी में जाइए। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा ऑडियो एंड विजुअल में और यहाँ से बैकग्राउंड साउंड को हमेशा बंद रखना है, ठीक है। ये सबसे पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस, जैसे हमने यहाँ पर अपने आईफोन का कवर उतार के रख रखा है, आप भी ज़्यादातर ऐसा ही करिए कि कवर उतार के रखिए। और अगर कवर उतार के रखना भी है, ठीक है, या लगा के रखना भी है, ठीक है, तो उसमें देख लीजिए कि यहाँ पर जो ये वायरिंग आ रही है वो आपके स्पीकर से जस्ट लग रही है या फिर इस पर कोई कार्बन वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। तीसरा स्टेप आपको ये करना है कि यहाँ से चेक कर लेना है कि कोई कुछ लोग जो है लेमिनेशन वगैरह लगवा लेते हैं आसपास में, तो उनको भी यहाँ पर आपको साफ़ करके रखना है, या तो यहाँ से हटा लेना है या बिल्कुल आप लगाइएगा ही मत, ठीक है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर इससे अगला पॉइंट यह है कि आपको जो है यहाँ पर अपने माइक को और अपने स्पीकर को यहाँ पर ये हमेशा साफ़ करके रखने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें आपका जो मतलब कार्बन वगैरह है वो वॉइस को जो है आने नहीं देगा, ठीक है, और साउंड को भी नहीं आने देगा। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा हद तक ध्यान रखना है। और 5वें नंबर पर आप चेक करिएगा कि आपका जो यहाँ पर ये साइलेंट मोड है ये लगा हुआ तो नहीं है, अगर ये लग रहा है तो इसको हमेशा ऑफ रखें। उसके बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में भी देख लेना है कि आप जो है अपने आईफोन को अपडेट करके रखते हैं या नहीं, आपको लेटेस्ट अपडेट पर रखना है हमेशा, क्योंकि कभी कभी ग्लिच बग वगैरह आ जाते हैं, तो आप अपडेट रखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप अपडेट यहाँ पर चेक करते रहिए, ठीक है। उसके बाद आप एक पॉइंट का और ध्यान रखिए कि अगर आपका कभी भी कुछ ठीक नहीं होता है, मान के चलिए कोई सेटिंग्स आपकी गलत हो जाती है आपके साउंड वगैरह में, तो उस सिचुएशन में आप क्या करिए कि जर्नल में जाइए। जर्नल में जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन, इस पर जाना है और रीसेट पर टिक करना है और यहाँ से रीसेट ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ से रीसेट कर लेना है अपना कोड डालकर, ठीक। इतने स्टेप अगर आप करते हैं तो फिर आपके आईफोन के अंदर जो साउंड है वो बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे, ठीक है। और अगर कोई इशू चल भी रहा होगा, मतलब मान के चलिए आपके सेटिंग्स में, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हार्डवेयर के अंदर कोई कंपोनेंट वगैरह टूट रहा होगा तो फिर आपके साउंड आना थोड़े से यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।